हे गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूएस डिजाइन मास्टर चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रिड सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ईवाई डिजाइनर हैं, ईवीएक्स डिजाइनर हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्रिड सिस्टम को जानना सबसे पहले आपको ज़रूरी है। यदि आप मोबाइल इंडस्ट्री या वेब इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर काम करते हैं और इस तरह की आपको डिजाइन क्रिएट करना होता है तो ग्रिड सिस्टम का नॉलेज रखना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपका डिज़ाइन का अलाइनमेंट और स्ट्रक्चर काफ़ी ही बेटर होता है और आपके डिज़ाइन के कंसिस्टेंसी में काफ़ी हेल्प करता है अलाइनमेंट के माध्यम से। तो इस वीडियो में आपको ग्रिड सिस्टम में जो टॉपिक्स है उसमें आपको व्हाट इज इट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद व्हाई यूज इट, इसे क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है, उसके बाद बेसिक टर्मोलॉजी क्या है और किस पार्ट को क्या कहा जाता है इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद व्हाई यूज इट और इसे कैसे यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में, कब, कहाँ पे, कैसे यूज करना है इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हेल्पफुल रिसोर्सेज कौन कौन हैं, जैसे कि आप वो स्टेप देख रहे हैं और भी इसी तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है आप क्रिएट करते हैं CSS डिफाइन करके या ऑलरेडी इनके टेम्पलेट डिफाइन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा डिजाइनर परस्पेक्टिव से। तो ग्रिड सिस्टम में 12 ग्रिड सिस्टम जो होता है काफ़ी फेमस है और मैक्सिमम वेबसाइट पे जो है 12 ग्रिड सिस्टम आप देखते होंगे। आज कल आप जो भी गूगल या और भी कोई एप्लीकेशन ब्राउज़र पे आप जाते हैं, जो गूगल है, फायरफॉक्स है, राइट क्लिक करके अगर गूगल में इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन का जो ग्रिड सिस्टम है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मोबाइल में, टैबलेट में, उसी तरह से वेब में, इस तरह के आप देख सकते हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट है, ये पहले बता देता हूँ। ग्रिड सिस्टम जो है हमारे जो सिस्टम है डिजाइनर का, एक मैनेज करने का जो स्ट्रक्चर है लेआउट का, वो काफ़ी यूजफुल होता है और इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके डिज़ाइन जो होते हैं कंसिस्टेंटली दिखता है और इसे आप आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को रीडेबल या मैनेज कैसे करना है, कैसे लेफ्ट राइट पैडिंग कितना यूज करना है इसके बारे में आप जानते हैं। और इस तरह से आप कोई भी जैसे कि 330 का एक बॉक्स है तो ये कैसे ग्रिड सिस्टम का मतलब है, बीच में आपको कहीं भी ये एरिया ब्रेक नहीं करना है। जब भी ये स्टार्ट होगा तो ग्रिड के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगा और एंड भी करना है तो आपको कोई ना कोई एक ग्रिड तक लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में इसे ब्रेक करके उसके अलाइनमेंट को छोड़ना है, तो उस हिसाब से आपको यूज नहीं करना है। आपको जब भी ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप यूज करेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इमेजेज, यहाँ पे 3 इमेजेज हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे ग्रिड सिस्टम से अलाइन है, जैसे कि 4 कॉलम्स का यहाँ पे अगर कहा जाए तो ग्रिड है, 4 कॉलम्स जो होते हैं मोबाइल में यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस का, और अगर टैबलेट में यूज कर रहे हैं तो आपका 6 कॉलम पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में 12 कॉलम होता है, 8 कॉलम भी होता है। तो यहाँ पे मोबाइल में अगर आप ब्रेक करते हैं इस डिज़ाइन को, जैसे ये आपका डिज़ाइन मान लीजिए कि वेबसाइट में है तो वेबसाइट में एक रो में 3 कॉलम होंगे जैसे कि इमेजेज हैं, लेकिन मोबाइल डिवाइसेज में इतनी स्पेस विड्थ नहीं होता है तो इसको हम वर्टिकली ब्रेक कर देते हैं इमेजेज को, तो यहाँ पे 4 कॉलम में 3 रो बन जाते हैं मोबाइल में, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप का लुक अगर देखते हैं तो 3 कॉलम एक ही रो में है। अगर हम टैबलेट की बात करें तो 2 कॉलम जो है एक रो में आ सकता है और ये लास्ट वाला हम ब्रेक करके बॉटम में यूज कर सकते हैं। तो ये गटर सिस्टम है और ये गटर सिस्टम में हमें बेनिफिट ये होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट को, इमेजेस को या आसानी से अलाइन कर सकते हैं और इसे बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है उसमें आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट में और रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में काफ़ी ही
जो ग्रिड है वह वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ कि जो हमारा ग्रिड सिस्टम है इसमें चार पॉइंट होते हैं मेन, और जिसमें मेन जो आप देख रहे हैं ये हमारा कॉलम एक है जिसकी विड्थ जो होता है एक कॉलम का, वो उसे हम कॉलम कहते हैं, और जो दो कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम गटर कहते हैं, और जो लेफ्ट और राइट जो मार्जिन होते जो स्पेस वाइट स्पेस होते हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं, और जो फील्ड एलिमेंट्स का मतलब कितने कितना बाई कितना का आपको ग्रिड सिस्टम का कॉलम लेना है ये आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो कॉलम और गटर जो होता है कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी देखते हैं एडोबी एक्सटी में, स्केचअप में, और इसके बाद आप फिग्मा में यूज करते हैं, इनविजन में यूज करते हैं, फोटोशॉप में मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन ये स्केचअप एडोबी एक्सटी फिग्मा में ऑलरेडी डिफाइन है गटर, वहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कितने बाई कितने कॉलम आपको उस आर्ट बोर्ड में लेना है और उसके गटर कितने डिफाइन करना है। ऐसे 70 और 30 जो होता है ये गटर स्टैंडर्ड होते हैं 12 कॉलम में, या 24x32 जो एक ग्रिड सिस्टम है वो भी स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस तरह से आपको यूज करने हैं गटर सिस्टम से। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जो ग्रिड सिस्टम है वो कैसे ब्रेक करते हैं, तो 12 कॉलम का जो ग्रिड है वो काफ़ी ही स्टैंडर्ड माना जाता है, और इसमें 12 कॉलम के ग्रिड को आप देख सकते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 6 रो में दिखाया हूँ, जिसके फर्स्ट जो रो है उसमें 1 कॉलम का ये ग्रिड है, सेकेंड वाला में से 2 कॉलम का ग्रिड है, थर्ड वाला में 3 कॉलम का ग्रिड है, और फोर में 4 कॉलम का ग्रिड है, सिक्स में 6 कॉलम का ग्रिड है, और फाइव में 6 कॉलम का ग्रिड है, और सिक्स नंबर जो रो है उसमें 12 कॉलम का ग्रिड है। तो ये जो है डिजाइनर्स और वेब डिजाइनर्स के लिए वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल है, और इससे जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है, और कैसे अलाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट भी आपको गटर जो कॉलम है कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट से और कॉलम की एंड पॉइंट पे एंड होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल है डिजाइनर्स और वेब डिजाइनर्स के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई फीडबैक है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।